नेचर ऑनलाइन के दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बेबी पाइथन और अपने बेटे हुजैफा के साथ। हुजैफा से इंटरव्यू लेने। एक जी मिनट, हमारा चैनल आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अच्छा, हुजैफा ने आपको कहा है कि अगर हमारा चैनल आपको नेचर ऑनलाइन अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को प्रेस करें। तो हम आपसे डिस्कस कर रहे थे बेबी पाइथन के बारे में। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैंने अपने बच्चे हुजैफा को एक छोटा सा बेबी पाइथन दिया है, जो कि हमारे स्नेक्स की वीडियो सीरीज़ की ये वीडियो सेकंड वीडियो है। आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से बेबी स्नेक हुजैफा के साथ मानूस हो गया है और दोनों एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। इससे पहले मेरे पास वीडियो इसी स्नेक्स की सीरीज़ की जो पहली वीडियो थी उसमें बेला हमारे साथ थी, और बेला फीमेल है जो कि काफ़ी बड़ी हो चुकी है, लेकिन ये उसका बेबी छोटा, इसका नाम हमने जेक रखा है। तो हुजैफा से मालूम करते हैं कि हुजैफा, आपने इसका नाम जेक रखा है। ओके, मुझे बताएं कि आपको पाइथन पसंद है। वेरी गुड। अच्छा, ये बताएं कि आपको और कौन से एनिमल पसंद हैं? ब्रेड पेंथर, ज़ेब्रा। ओके, ज़ेब्रा आपको पसंद है, और इसके अलावा आपको ब्लैक पैंथर पसंद है, और स्नेक्स में ये पाइथन पसंद है आपको। ओके, पाइथन की कौन सी स्पीशीज पसंद है और कौन से पाइथन पसंद है आपको? अच्छा, ग्रीन ट्री पाइथन और एक गोल्डन और एक गोल्डन गोल्डन येलो पाइथन होता है जनाब, लेकिन वो मेरे बच्चे, दोनों स्पीशीज़ पाकिस्तान या एशिया में नहीं होती, वो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में पाई जाती हैं। लेकिन कोशिश करूँगा कि अगर मेरे दोस्त वहाँ पर कोई मौजूद हैं तो आपके लिए एक छोटा सा ग्रीन ट्री पाइथन जिसे कहा जाता है, या फिर गोल्डन येलो जो पाइथन होता है वो भी बड़ा खूबसूरत होता है। इस वक्त जो आपके पास है ये है हमारे पास प्यूटर बाल पाइथन। ये ऑलमोस्ट अफ्रीका और जो है वो आप देख सकते हैं कि एशिया में पाया जाता है, और इसको हमने रिकवर किया है, इसको हमने ट्रैप किया है जामशोरों के करीब और कुछ दिन पहले ही। लेकिन ये इतना छोटा और इतना हुजैफा के साथ मानूस हो गया है कि हुजैफा हर वक्त इसके साथ खेलते रहते हैं, इसके साथ मस्तियां करते रहते हैं, और आप देख सकते हैं कि हुजैफा कभी इसको ओ नहीं मेरे बच्चे नीचे चला जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ये ज़्यादा एक्टिव है एज़ कम्पेयर टू बेला के। बेला जो थी वो ज़्यादा काम एंड कूल थी, लेकिन ये चूंकि बेबी है और ज़्यादा एक्टिव है तो इसलिए ये इधर उधर भागने की भी कोशिश करता है, सम टाइम इधर उधर जाने की कोशिश करता है। अगर बात की जाए इसकी फीड की, तो मैंने कोशिश की है कि इसको मिल्क पर ले आऊँ। बहुत कम जो है ये मिल्क और इस तरह से मिलती जुलती हुई चीज़ें ये यूज़ करता है। अभी इंसेक्ट तो ये क्रिकेट्स वगैरह नहीं खा रहा, लेकिन अभी मैं इसको जो है वो आप यूं समझें कि मट्टी जो है वो दे रहा हूँ। ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो फिर ये इंसेक्ट और जो है वो मीट वगैरह पर आ जाएगा, लेकिन अभी ये इतना छोटा है। ये है करीबन कोई 3 से 4 हफ्तों के करीब इसकी अगर एज देखी जाए तो। जनाब इसको नीचे रखें ज़रा एक मिनट के लिए। हुजैफा हुजैफा के साथ इस वक्त ये मौजूद हैं हम लोग। मैं इसके अलावा अपने दूसरे बेटे जो मेरे हमज़ा हैं, सेकंड जो मेरे सन हैं हमज़ा, वो इस वक्त नहीं हैं, वो हैदराबाद से बाहर हैं, कहीं आउट ऑफ हैदराबाद हैं। तो उनके साथ मैं एक और न्यू स्पीशी के साथ आऊँगा स्नैक्स की एक, और वो जैसे ही वापस आएंगे हैदराबाद में तो हमज़ा के साथ एक नई स्नैक्स की जो है वो स्पीशी लेकर आऊँगा। तो तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। हुजैफा का कहना था आपके, आपको रिक्वेस्ट थी कि हमारे चैनल को आप नेचर ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें ताकि न्यू वीडियोस जो हैं वो आपको आती मिलती रहें। हम कल जो है वो संडे के दिन जा रहे हैं स्नेक्स की सर्च में, जामशोरो और कोटरी के जो है वो कीर्थर नेशनल पार्क जो रेंज है वहाँ पर, और कोशिश करते हैं कि अगर हमारे पास बेला का मेल मिल जाए तो उस मेल को ट्रैप करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बेला अकेली है। और इसके अलावा जो है कोई और हमें कोबरा या इस तरह से
कोई और स्पीशी मिल जाती है तो उसको भी हम जो है वो पकड़ कर ले आएंगे, तो उनके साथ भी वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए आप से इजाज़त चाहेंगे। हुज़ैफ़ा, आप कुछ कहना चाहोगे अपने व्यूअर्स के लिए? क्या कोई मैसेज देना चाहते हैं व्यूअर्स को? जी, प्लीज लाइक करना। हुज़ैफ़ा कह रहे हैं हमारे चैनल को प्लीज लाइक कीजिएगा। जी लाइक करेंगे बिल्कुल, कमेंट्स भी देंगे मेरे बच्चे। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टाटा।